कौशिक आप भी आ गए ना? हाँ सर आ कौशिक नहीं गया। बोल रहा था, वो कौशिक को बोलो, ठीक है चलेगा, हर्षित तो अच्छा पता है आ गया। ठीक है सर। हाँ ठीक है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखो, स्टैटिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो तो सिर्फ जो क्वेश्चन आता है वो डेविएशन से आता है, वेरिएंस से आता है और मीन से आता है, ठीक है ना। उसमें टोटल चार टाइप क्वेश्चन आते हैं जो हमें करना है, ठीक है ध्यान दो। चलो देखो, ध्यान दो पहले, यहाँ तीन चीज जान लेते हैं हम लोग, मीन मोड और मीडियन। क्वेश्चन यहाँ से तो आएगा नहीं, बट फिर जान जाओ। मीन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ध्यान दो, मीन क्या होता है, अगर मान लो आपको लेट देयर आर एन ऑब्जर्वेशन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, ठीक है ना। तो मीन क्या हो जाएगा, सबको ऐड करके एन कर लो, क्या आता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन बाई एन। तो मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। इसको मीन बोलते हैं, पता होगा आप लोग को, ठीक है। मोड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज व्हाट मोड। और मीडियन में क्या करना पड़ता है अपने को, ठीक है, मीडियन में क्या करते हैं, पहले हम लोग पहले हम ऑब्जर्वेशन को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करेंगे, अरेंज करते हैं, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, मैं अरेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या चेक करना पड़ता है अपने को, कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है, ठीक है। देखो ध्यान दो, ऐसे मान लो लेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, एन क्या इवन है, देखो ध्यान दो, एन इवन है तो क्या होगा उस केस में, सॉरी मान लो अगर एन ऑड है, ऑड उस केस में क्या आएगा, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टू एच ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा,
मीडियन, ठीक है। और अगर एन क्या होता है, इवन होता है, एन इवन, देन क्या हो जाएगा, एन बाई, देन क्या होता है, एन बाई टूथ प्लस एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन, बाई टू क्या होता है, इज मीडियन। ये क्या होता है, मीडियन। जब एन क्या होगा, इवेन होगा। हो गया सर। ठीक है, देखो ध्यान देना, एक होता है रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। ध्यान देना, अप्रॉक्स इक्वल होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड मीन एंड मोड इन 1:2। मान लो यहां मीडियन है, यहां पे क्या है, मीन है, और यहां पे मोड है, 1:2 में करता है, तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू टाइम ऑफ मीन प्लस मोड अपॉन 3। तो 3 टाइम ऑफ मीडियन की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम ऑफ मीन प्लस मोड आएगा। ये अप्रॉक्स इक्वल होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इससे काम निकलता है, कभी कभी मतलब काम निकलता है अपना। हो गया, हाँ सर हो गया। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट है डेविएशन अबाउट मीन। देखो ध्यान दो, यहां पे आपको x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर n ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हमें n ऑब्जर्वेशन गिवेन है, x1 x2 x3 डॉट xn, यहाँ पे क्या n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, तो मीन क्या, ऐसे में क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे पहले, मीन क्या होगा, इसे म्यू बोलते हैं, मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, अभी
मीन को सबसे माइनस कर लेंगे ना, ऐसा करेंगे, देन हम फाइंड कर लेंगे x1 माइनस म्यू, x2 माइनस म्यू, x3 माइनस म्यू, डॉट डॉट xn माइनस म्यू, ठीक है। फिर से क्या करेंगे हमें, अब डेविएशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू बाई क्या होता है n, ये क्या हो जाएगा डेविएशन, हो गया? नहीं सर। या सर हो गया। देखो जो अगला कंसेप्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा, बार बार ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन में वहीं से आता है, मेंस में, मेंस ही में आता है, एडवांस में कहाँ आता है। तो अभी जो करेंगे उस पे ही क्वेश्चन आएगा, फिक्स है वही क्वेश्चन वहीं से आएगा, वो चार टाइप का क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। अभी जो करने वाले हैं क्वेश्चन वहीं से आएगा, बस ध्यान रखना, बताता हूँ क्या आएगा। हो गया? हाँ सर हो गया। देखो ध्यान दो, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन तो पता है क्या होता है, म्यू, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन होता है, पता है, मतलब यहाँ पे आपको एन दिया ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करके भाई एन कर दिया तो क्या आ गया, मीन आ गया। तो वो वेरियंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं हम लोग वेरियंस को। ये क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स, देखो हमें क्या करना होता है, एक्स आई स्क्वायर का समेशन करते हैं। जैसे मान लो कि डेटा दिया आपको x1, x2, x3, xn ना, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इसका समेशन करेंगे भाई n कर लेंगे, माइनस म्यू का स्क्वायर, म्यू मतलब क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन का स्क्वायर, मीन है ना। ये क्या होता है, वेरियंस, इसको हम बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, ध्यान रखना, ऑड। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ध्यान रखना, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब क्या होगा, सिग्मा बोलते हैं इसको, तो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस, इसको हम दिखाते हैं एस डी लिखते हैं एस डी, और म्यू का स्क्वायर, ये क्या होता है। तो आपको ये बोलना नहीं, पहले तो मीन वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसमें चार टाइप है क्वेश्चन, वहीं से आता है, बारह वहीं से आता है, ठीक है। तो आप अगर ये भूल गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिर, समझ में आ रहे हैं। सर वेरिएंस नहीं समझा मैं, मतलब एक्स आई स्क्वायर माइनस वेरिएंस, यहां पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस म्यू का स्क्वायर है, एक्स आई मतलब ऐसा है ना, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, डेटा दिया है मान लो आपको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टिल एक्स एन, तो क्या करेंगे, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर बाय एन माइनस करेंगे म्यू का स्क्वायर, ये क्या होगा, मतलब माइनस करेंगे मीन का स्क्वायर, ये क्या होता है वेरिएंस। और डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, समझे ऐसा इसका मतलब।
हो गया सर, हो गया। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये भूलना नहीं आप लोग को। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे मीन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, ध्यान लिख लो, और यहाँ पे वेरिएंस है। देखो ध्यान दो, तो पहला है, अगर मैं ऐसा करता हूं, ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय के, तब में मैं क्या करता हूं, के को इंक्रीज किया, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय के, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन भी क्या होगा, इंक्रीज बाय के कर लेंगे, समझे। मान लो आपको दिया, ऑब्जर्वेशन दिया 1 2 3 4 और सब में मैंने 7 ऐड कर लिया, तो जो मीन पहले था उसमें भी 7 ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हेलो। हाँ सर, बट डेविएशन क्या होगा, नो चेंज, सेम रहेगा जो पहले था वही रहेगा, और वेरिएंस क्या होगा, नो चेंज, ध्यान रखना। सेकंड क्या है, ईच ऑब्जर्वेशन डिक्रीज बाई के, क्या आएगा, सब में के कम किया, तो मीन भी क्या होगा, डिक्रीज बाई के, मीन में भी क्या होगा, के कम हो जाएगा। एस डी में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, नो चेंज, वेरिएंस में क्या होगा, नो चेंज। अगर मैं प्लस करता हूं सब में के, तो मीन भी के बढ़ जाएगा, डेविएशन वेरिएंस क्या रहेगा, नो चेंज, सब में के कम करता हूं तो मीन भी के कम हो जाएगा, डेविएशन में नो चेंज। ठीक है, और थर्ड क्या है, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई के, तो मीन भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई के होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई के होगा, और वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ना, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर। ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई के, तो मीन भी क्या होगा, डिवाइड बाई के हो जाएगा, एस डी भी क्या होगा, डिवाइड बाई के होगा, बट वेरियंस क्या होगा, डिवाइड बाई के स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर,
नोट हो गया? हाँ सर। देखो ध्यान दो सर इसमें एक मिनट, टाइम नीचे को। वाला, एक मिनट एक मिनट, लास्ट वाला। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं क्वेश्चन आता है चार टाइप का। टाइप वन ध्यान दो क्या होता है इसमें, इसमें यही रहेगा ईच ऑब्जर्वेशन चेंज, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन में चेंज करते हैं, सेम चेंज करते हैं, ठीक है, सेम चेंज लिख लो यहाँ पे। देखो ध्यान दो, ऐसे एक क्वेश्चन मान लो है, दिया है जेई मेन 2021 में, 20 में आया है, 21 में भी सेम क्वेश्चन आया है, 22 में भी सेम क्वेश्चन ऐसा आया है। इफ दिया है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन तक, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए करने पर क्या आता है, एन आता है, एंड समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन तक एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर कितना आएगा, एन इंटू ए आएगा, ठीक है, देन बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कितना आएगा। देखो यहाँ पहला ऑप्शन है ए माइनस वन, सेकेंड है कितना है रूट के अंदर एन ए माइनस वन, ऑप्शन थर्ड है एन रूट के अंदर ए माइनस वन, और कितना है फोर्थ रूट के अंदर ए माइनस वन। देखो ध्यान दो, सारे डेटा में क्या करने से, ए को माइनस करने से या प्लस करने से जो डेविएशन आएगा वही किसमें, वही किसका आएगा आपको पता है ना, सब में ए को माइनस किया है या ए को प्लस कर दिया, तो वेरिएंस और डेविएशन क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना, पता है आपको ना। हेलो, हाँ सर। तो इसमें क्या किया, सब में ए माइनस किया है ना डेटा में, फर्क क्या पड़ेगा, डेविएशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो इस ए को हटा दो यहाँ से, इस ए को हटा दो, इस ए को हटा दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म क्या फॉर्मूला था, रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस कितना है, समेशन ऑफ एक्स आई मीन मीन ना बाई एन का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एन ए अपॉन एन माइनस कितना हो जाएगा, इसका मतलब एन हो गया ना, एन अपॉन एन का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, रूट के अंदर ए माइनस वन, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। समझा ना, जो इसका आएगा डिविजन वो इसका आएगा, दोनों सेम ही आएगा ना, चेंज तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। समझ गया सामंत,
नहीं क्लास में क्या हो गया? हाँ सर क्वेश्चन सेकंड है, लेट एक्स आई और यहाँ बोला आई की वैल्यू क्या है, 1 से 10 तक है, बी 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 10 तक, ये क्वेश्चन है हाँ उसी टाइप का है, एक्स आई माइनस पी सी आई इक्वल टू 1 से 10 तक, एक्स आई माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो आपको निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। पहला ऑप्शन है 4/5, सेकंड है √3/5, थर्ड है 9/10, फोर्थ है 7/10। बताओ नाइन बाय टेन करेक्ट है, समझ गया ना क्या बता रहा हूं मैं? हाँ सर। हो गया हर्षित आ गया? हाँ सर। सर सेकंड टाइप, हाँ बोलो सर, आपके इसमें नोट सेव नहीं होते हैं क्या? सेव करना पड़ता है तो हो जाता है सर, प्लीज ये फिर ये वाले सेव करके सेंड हो सकते हैं सर पे? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ करता हूँ। हाँ फिर ये मतलब फोन पे सेव रहेगा। देखो ध्यान दो, सेकंड है, सेकंड टाइप है ऑब्जर्वेशन इन एपी, ऑब्जर्वेशन एपी में रहेगा, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। इफ द वेरिएंस of the term is an increasing AP B1, B2, B3 ... B11 is 90. Then the common difference
ऑफ एपीज, ठीक है, देखो ध्यान दो, बी वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी टू क्या होगा, ए प्लस डी होगा, क्या होगा, ए प्लस टू डी, ऐसे ही डॉट डॉट ए प्लस क्या होगा, टेन डी होगा ना, बात समझ में रही है। इसका वेरिएंस कितना हाँ। दिया है हमें, 90 दिया है ना, राइट, ठीक है। अगर मैं सब में क्या करता हूँ, सबट्रैक्ट माइनस वन सब में करता हूँ, क्योंकि सब में ए ऐड है, सब में सबट्रैक्ट क्या माइनस ए, तो क्या होगा, जीरो डी, टू डी, थ्री डी, टिल कहाँ तक, टेन डी तक। इसका भी वेरिएंस कितना आएगा, 90 तो आएगा ना, या सब में कुछ ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, वेरिएंस कहाँ चेंज होता, सेम ही रहता है ना, या इसका वेरिएंस कितना आएगा, वेरिएंस क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का समेशन बाई एन माइनस मीन ना, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन का स्क्वायर, यहां से निकालो डी के वैल्यू, समझ गया, तो वेरिएंस कितना आएगा यहां से, 90 है ना, या 90 इक्वल टू डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर टिल 10 डी स्क्वायर तक ना, अपॉन में कितना आएगा, टर्म कितना, 11 है ना, 11 टर्म ना, माइनस डी प्लस टू डी टिल 10 डी बाय 11 पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर ना, तो फॉर्मूला जाएगा क्या होगा, फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, n n प्लस 1 2 n प्लस 1 बाय 6 इनटू 11 माइनस कितना हो जाएगा, d स्क्वायर d, ये क्या बचेगा, n n प्लस 1 बाय 2 ना, आएगा 35, 90 कितना आएगा, 35 डी स्क्वायर माइनस 25 डी स्क्वायर कितना आएगा, डी स्क्वायर 9, डी कितना आएगा, प्लस माइनस 3, बट एपी कैसा इंक्रीजिंग है ना, तो डी क्या आएगा, प्लस का 3, समझ गया, डी क्या होगा, प्लस का 3, बिकॉज एपी इज इंक्रीजिंग, बात समझ में आ रही है, या सर मेरा हो गया, ओके, डन, प्रसिक, हाँ सर हो गई, ध्यान दो टाइप थर्ड क्या है, टू ऑब्जर्वेशन आर मिसिंग, ठीक है ना, एंड वी हैव टू गिवन मीन एंड वेरियंस और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा गिवन होगा आपको, आपको दो ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या गिवन होगा, मीन गिवन होगा, वेरिएंस गिवन होगा, या फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, ठीक है,
हो गया। हो गया ध्यान दो क्वेश्चन है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन आर एट एंड सिक्सटीन रिस्पेक्टिवली। If five observation, if five observation are 2, 4, 10, 12, 14, then the absolute मतलब mod की बात कर रहा है, difference of remaining two observation each पहला ऑप्शन है। नहीं नहीं क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, बताओ कितना आएगा। ठीक है, फिर देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ ना, मैं लेकर जा रहा हूँ। पहली पेड़ कौन है, पहली पेड़ कौन है। बता रहे हो क्या आप लोग, सर एक एक बस आधा मिनट दे दो। ओके
एक मिनट यार सुन जा रहा हूँ। सर मेरा आंसर 6 और 8 आया। हेलो, हाँ बेटा 6 और 8 आया सर। निकालना डिफरेंस आपको ना, तो 2 आएगा ना। अच्छा मेरे दोनों, हाँ सर 2, हाँ ओके 2 तो कितना आपका है बेटा फर्स्ट टिक? सर 2 मिनट चाहिए। हाँ करो सर। राइट है क्या? करेक्ट है। अमन कितना आपका आया? ठीक है नहीं आ रहा है क्या? देखो जो मिसिंग कोई और भी मान लो ना। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14/7। इसकी वैल्यू क्या होगी? 7। ए प्लस बी कितना आएगा? 49। 12 कितना आएगा? 17। ठीक है, और वेरिएंस दिया अपने को ना। हाँ सर आ गया, आ गया ना। ठीक है,
इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of the data C5 7 A or B are 5 and 2 respectively then A and B are the then A and B are the then A and B are the roots of the equation पहला है x square minus 20x plus 18 is 0 सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 इज जीरो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 18 इज जीरो ठीक है ना आया क्या
सर सी करेक्ट है, आ गया ना। हाँ सर, ठीक है। एक लास्ट टाइप है इसमें, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज डिलीटेड। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज डिलीटेड, ठीक है ना। ध्यान दो क्वेश्चन, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है, मतलब बोल रहा है कि एक जो एक ऑब्जर्वेशन था वो गलती इतना ले लिया गया, उसका मीन इतना था, उसे चेंज कर इतना किया गया, तो नया मीन क्या आएगा, ऐसा पूछेगा। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो इसके यहाँ पे द एवरेज एवरेज एज ग्रुप ऑफ द एवरेज एज ग्रुप ऑफ ट्वेंटी फाइव टीचर इज 40 ईयर। ठीक है, वन टीचर एज्ड 60 ईयर लेफ्ट, एक टीचर का 60 ईयर लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट द ग्रुप एंड वन टीचर एज्ड एक्स ज्वाइन द ग्रुप ठीक है, द न्यू एवरेज इज 39, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सेकेंड है, थर्ड है 33 ईयर, फोर्थ है 35 ईयर। तो इसमें क्या करना पड़ता है ना, पहले हम क्या निकाल लेंगे, 35 कितना है। हाँ करेक्ट है, समझ गया ना। हाँ सर, बेसिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बस इसमें क्वेश्चन चार टाइप में आते हैं, तो आपको डेविएशन और ये याद रखना है, ठीक है।
हर्षित आया क्या? हर्षित आया गया? अथर्व आया क्या? सर हेलो बोलो 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 ना सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो हाँ अभी आ रहा है। हेलो सर, थोड़ा डिले है शायद। हाँ हाँ सर, आप बताओ क्या बोल रहे हो? आया क्या आंसर? सर नहीं, मेरा एकदम ही एंड वाला बचा, मतलब अच्छा मैं भी वही एक्स्ट्रा वाले में। बताओ बताओ क्या जाएगा? सर मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ मतलब स्टार्ट कर दो, बीच में आंसर आ जाएगा मेरे। देखो ध्यान तो दिया ना आपने, लेवरेज तो सम ऑफ एक्स आई बाई एन क्या होता है? ये होता है मीन ना। ये 40 दिया है तो 25 लोग का दिया है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू सबका सम कितना आएगा? सबके एज का सम कितना आएगा? ये हमारा 25 लोग है ना, कितना हो जाएगा? 1000 होगा। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है? एक लोगों ने छोड़ दिया, मतलब मान लो इसने छोड़ दिया, इसकी एक 60 थी, तो बचे 24 लोग। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री टिल 24 लोग का कितना एज हो गया? 940 हो गया ना। एक छोड़ दिया, 60 निकल गया, इसमें सबके सब 24 लोग के एज का सम कितना? 940 हो गया। एक ने ज्वाइन किया जिसका कितना था, जिसका कितना है एज एक्स है और कितना एवरेज है 39। तो एक्स वन प्लस एक्स टू टिल एक्स 24 तक और एक का एक्स है जो ज्वाइन किया है, इन सब का एवरेज कितना? 25। कितना दिया आपने? वो 39 दिया है। ये सबका वैल्यू कितना? 940 है। 940 प्लस एक्स बाई 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 975 आएगा ना। एक्स कितना आएगा? 35। ठीक है, अथर्व हर्षित छोड़ दो आप लोग, ठीक है ना? बस इतना ही स्टैटिक्स में करना है। आप रुकना थोड़ा, हर्षित सॉरी सर, आप लोग छोड़ सकते हो, आप और सामंत। सर आप हाँ बोलो। अभी ना, मैं मेंस के क्वेश्चन का PYQ सॉल्व कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, और हाँ लाइक अभी तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है ITF को छोड़ के जो लाइक ऐसा मेरा हुआ नहीं है। अभी हाँ मैं उसका सेकंड रिवीजन चालू कर रहा हूँ सबका। लाइक मैं PYQ सॉल्व करते करते आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो मतलब अगर डाउट आया व्हाट्सएप तो इसमें आपको डाल के लाइक मैंने पर तो मतलब मैं बता ग्रुप दूंगा, पे ग्रुप डाला में हुआ बता है दूंगा। अमित सर को। हाँ नहीं, मुझे व्हाट्सएप करोगे प्रोसेस तो ग्रुप में मैं देख नहीं पाता हूँ। मुझे व्हाट्सएप के बोला बहुत सारे ग्रुप है ना मेरे पास, नयाना का पांच छह अच्छा, आठ हाँ ग्रुप मैं है। आपको हाँ व्हाट्सएप कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप करोगे प्रोसेस कर देता हूँ। ठीक हाँ है, हाँ ग्रुप क्योंकि पे ध्यान देता हूँ। हाँ हाँ चलेगा। आप ठीक है, नेक्स्ट हाँ लेक्चर कब लोगे फिर? आप लोग का नेक्स्ट लूंगा। आज क्या है? फ्राइडे लूंगा आप लोग का, ठीक है ना? तो उसमें आज कराऊंगा, वेडनेसडे। हाँ हाँ थर्सडे परसों लूंगा, ठीक है, कराऊंगा आपको उसमें ITF। ठीक है, स्वास्तिक आपको भी आना है ITF में, ठीक है ना? सर साथ में आना है। LCD में जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे ना, मैक्स मिनिमम वाले, हाँ, वो भूल गया है क्या? उसमें सर थोड़ा सा मतलब, सर मतलब मिनिमम मैक्स का ग्राफ निकाल के मैं वो प्लॉट कर पा रहा हूँ, बट उसके आगे जो पॉइंट्स निकालना ना सर, वो थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है।
एक दो क्वेश्चन आपको भेजता हूँ पर्सनली, फिर आप सर एक बार सॉल्व कर देना। चलेगा, फ्राइडे कर दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। हाँ हाँ, आप रुको, हो गया नाम आपका? स्वास्तिक। हाँ सर।